Hare Krishna, I am Dr. Bikram Prasad, Associate Professor in SAGE Group. Today we will study cement and its laboratory test. ये topic civil engineering के लिए सबसे important topic है. जो भी व्यक्ति site में job कर रहे हैं या practical perform करते हैं या competitive exams की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये इससे questions regularly पूछे जाते हैं. तो इसको पूरे last तक देखिए तो आपको सीमेंट्स और उसके डिफरेंट टेस्ट के बारे में आपको पूरा पूरा आइडिया हो जाएगा. सीमेंट इट इज़ ए फाइन सॉफ्ट पाउडरी टाइप सब्सटेंस. इट इज मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन नेचुरल मटेरियल्स सच एज लाइमस्टोन क्ले सैंड और सेल. व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर इट कैन बाइंड सैंड एंड एग्रीगेट्स इनटू ए हार्ड सॉलिड मास कॉल्ड कंक्रीट. तो सीमेंट जो है आजकल सभी जगह यूज़ हो रहे हैं. बिल्डिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा सीमेंट के यूज़ करते हैं जिससे कि हम कंक्रीट बनाते हैं और कंक्रीट से सारे स्ट्रक्चर्स को हम बनाते हैं. केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट तो जो कौन कौन से केमिकल कंपोजिशंस होते हैं सीमेंट में तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड लाइम 60 से 67%, SiO2 सिलिका 70 to 25%, अलूमिना L2O3 5 to 8%, Fe2O3 0.5 to 6%, मैग्नीशिया 0.1 to 4%, अल्कलीस 0.2 to 1% एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 to 3%. तो सीमेंट के ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट हमारा जो वेरिएशंस है ये कंपोनेंट का कंस्टिट्यूएंट्स वो वेरी करता है. जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है सीमेंट का उसी अकॉर्डिंग हम फिर इसके जो है कंपोनेंट के परसेंटेज को वेरी करते हैं. फंक्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट. फर्स्ट इज लाइम मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट. एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लाइम मेक्स द सीमेंट अनसाउंड. इफ इट इज लेस इट डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ एंड अलाउज द सीमेंट टू सेट क्विकली. सिलिका एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट विच गिव्स स्ट्रेंथ टू सीमेंट. इफ इट इज इन एक्सेस सिलिका अलाउ द सीमेंट टू सेट स्लोली. एलुमिना दिस इम्पार्ट क्विक सेटिंग टाइम टू द सीमेंट. इफ इट इज इन एक्सेस क्वांटिटी इट वीकेंस द सीमेंट. इट ऑल्सो लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ क्लिंकर्स. आयरन ऑक्साइड इट हेल्प्स द फ्यूजन ऑफ द रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग बर्निंग स्टेज. इट गिव्स कलर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू सीमेंट. मैग्नीशियम ऑक्साइड इफ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज मैग्नीशियम ऑक्साइड इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड कलर टू सीमेंट. इफ बिकम्स एक्सेस क्वांटिटी वीकेंस द सीमेंट. सल्फर ट्राइऑक्साइड वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. इफ इट इज इन एक्सेस SO3 मेक्स द सीमेंट अनसाउंड. अल्कलीज ए स्मॉल क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड. अल्कलीज एंड अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल्स आर कैरिड बाय द फ्लू गैसेस ड्यूरिंग हीटिंग. इफ इट इज इन एक्सेस क्वांटिटी एफ्लोरेसेंस इज कॉज्ड. हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स कंबाइन इन बर्निंग एंड फॉर्म सर्टेन कंपाउंड्स. दीज कंपाउंड्स फॉर्म ड्यूरिंग बर्निंग रिएक्ट विद वाटर हेल्प इन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट. दीज कंपाउंड्स आर कोल्ड बॉग कंपाउंड्स. दे आर ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S, डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफरेट C4AF. तो जब सीमेंट जो है वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. दीज आर C3S, C2S, C3A एंड C4AF. तो सभी कंपाउंड्स का अलग अलग फंक्शंस होता है. When water is added to cement, a chemical reaction starts between active components of cement and water, which is exothermic in nature and liberate a significant amount of heat. This is known as hydration, and the liberated heat is called heat of hydration. So, tricalcium silicate hydrates rapidly and forms earlier strength and earlier heat of hydration, whereas dicalcium silicate hydrates slowly and is responsible for a strength increase in concrete at later stage. द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लिबरेटेड सोलोली. तो जो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट होता है वो हमारा अर्लियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लेकिन डाइकैल्शियम क्या है लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करेंगे तो जैसे 365 डेज तक जो है हमारा स्ट्रेंथ कंक्रीट में बढ़ती ही रहता है. तो लॉन्ग टर्म की जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वहाँ पर डाइकैल्शियम सिलिकेट का एक्शन रहता है और ट्राइकैल्शियम जो है कि हमें
अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट्स रैपिडली एंड लिबरेट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, है ना. और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट क्या है, वो हमें सेटिंग टाइम में काम आता है, ठीक है ना. तो ये कंपोनेंट्स गेट, अभी गेट 2020 में इसी पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना. तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है. वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो बहुत तरह के सीमेंट होते हैं. जैसे पहला जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी. ओपीसी सीमेंट जो है उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये हार्ड होते हैं तो जो ये कंक्रीट सरफेस होता है उसका कलर जो है वो पोर्टलैंड स्टोन जैसा दिखता है, ठीक है ना. ये तीन ग्रेड में पाए जाते हैं, जैसे C33, C43 एंड C53. पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ये भी पोर्टलैंड सीमेंट है, बट इसमें क्या है, पोजोलाना मटेरियल फ्लाई एश को हम ऐड करते हैं. सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में क्या होता है कि अलूमिना का जो हम कंटेंट डालते हैं वो कम डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सल्फेट फॉर्मेशंस कम होते हैं. अगर सल्फेट फॉर्मेशन होंगे, सॉल्ट बनेंगे, तो हमारा जो कंक्रीट बनेगा वो वीक हो जाएगा. क्विक सेटिंग सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या होता है कि जो आपका कंक्रीट है वो क्विकली सेट हो जाता है, वेयर इज रैपिड हार्डनिंग में सीमेंट में क्या होता है कि वो जो स्ट्रेंथ है वो हमें जल्दी मिलता है. लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट में क्या है कि हमें लो हीट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना. हाई एलुमिना सीमेंट, इसमें हाई एलुमिना कंटेंट हम डालते हैं तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, बट जनरली हम इसे अब यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे जो है आपका स्ट्रेंथ बहुत कम मिलता है. वाइट सीमेंट, जब हम आयरन ऑक्साइड मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो कम डालते हैं तो वो हमारा वाइट सीमेंट होता है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, दिस इज योर वाइट सीमेंट, ठीक है ना. और डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमें अलग अलग कलर के सीमेंट भी हम बनाते हैं, ठीक है ना. लेबोरेटरी टेस्ट ऑन सीमेंट, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल्स में. अगर हम कहीं साइट में जॉब करते हैं तो भी हमें रेगुलरली सीमेंट के टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं कि जो हमें सीमेंट मिला है उसका क्वालिटी कैसा है. तो बेसिकली यहाँ पर हम छह तरह के टेस्ट देखेंगे. फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट. कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट में बेसिकली हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हम मिक्सर करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो हम कितना लेते हैं, ठीक ना. कंक्रीट जब हम फॉर्म करेंगे तो जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ जो हमसे मिलता है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो से मिलता है, ठीक है ना. नेक्स्ट इज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट. सेटिंग टाइम कितना होता है, ठीक ना. अगर ये सीमेंट हमने लिया है तो वो कितने टाइम में सेट हो जा रहे हैं. फिर साउंडनेस ऑफ सीमेंट, उसमें लाइम की मात्रा कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, वो चेक करने के लिए हम साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट करते हैं. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जैसे हमने आपको बताया C33, C43 एंड 53. तो ये जो ग्रेड ऑफ सीमेंट है वो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से फाइंड करते हैं. फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस मीन्स उसके जो ग्रेन साइज है वो ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है ना. अगर साइज ज़्यादा होंगे तो वो प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होगा और हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलते हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है ना. तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट. नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है ना. इसके प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं, ठीक है ना. उसके बाद स्टार्टिंग में 25% वाटर बाय वेट लेंगे, ठीक है ना. 300 ग्राम का 25% वेट जो है हम वाटर लेंगे, ठीक है. तो 300 ग्राम भी है तो ये कितना हो जाएगा, 25% 75 ग्राम हो जाएगा, ठीक है. कीप द मोल्ड ऑन ए नॉन ऑब्जर्वेंट प्लेंट. फिर जो एपरेटस हम यूज करते हैं उसका नाम होता है आपका विकेट एपरेटस, ठीक है. तो विकेट एपरेटस का मोल्ड होता है, उसको हम सीमेंट पेस्ट से फिल करेंगे और उसको प्रॉपरली टैम्प करके उसको फिल कर देंगे, ठीक है ना. टू मेक द सीमेंट स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द मोल्ड, मोल्ड में प्रॉपर यूनिफॉर्मली फिल हो जाना चाहिए. उसके बाद जो प्लंगर साइज होते हैं और 10 mm x 50 mm लॉन्ग जो प्लंगर होता है उसको फिर हम अपरेटस में होल्ड कर देते हैं. फिर स्लोली हम क्या करते हैं, उसे प्लंगर को रिलीज करते हैं, ठीक है ना. फिर जैसे वो मोल्ड के पास आ जाता है, विकेट मोल्ड के पास, तो फिर उसको हम क्विकली लीव करते हैं, ठीक है ना. ड्यू टू द वेट
of header and holder, the plunger penetrates into the cement paste. तो जैसे हम ये इस फिगर में देख सकते हैं, ये दोनों व्यू हैं आपके विकेट एपरेटस का और ये आपका मोल्ड है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा प्लंगर साइज है, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम ये प्लंगर यूज करते हैं, इसका की डायमीटर 10 mm है और लेंथ क्या है 50 mm है, ठीक है ना। तो इसे हम यूज करते हैं और इसको इस एपरेटस में होल्ड करते हैं। देखिए ये फिक्सिंग करने के लिए दिया है और यहाँ पे जो है आपका स्केल है, इसमें आपका पता चलता है कि कितना mm वो नीचे गया है, ठीक है ना। वो मोल्ड के अंदर ये जो आप जब प्लंगर लगाएंगे, पिन लगाएंगे, तो ये कितना इसके अंदर इंसर्ट हुआ है वो हमें पता चलता है, जितना ये नीचे जाएगा। तो ये हमारा स्केल है, ठीक है ना। नोट द प्लंगर पेनिट्रेशन रीडिंग ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेटर्स। द रिकॉर्डेड पेनिट्रेशन वैल्यू इज रिकॉर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ मोल्ड। रिमूव द प्लंगर एंड सीमेंट पेस्ट फ्रॉम द मोल्ड। टेक सैंपल ऑफ सीमेंट एंड रिपीट द इंटायर प्रोसेस विथ 27% ऑफ वाटर एंड नोट डाउन द प्लंगर पेनिट्रेशन। रिपीट द अबव प्रोसेस विथ वेरिंग परसेंटेज ऑफ वाटर एंड नोट द पेनिट्रेशन ऑफ प्लंगर टिल द पेनिट्रेशन वैल्यू इज 5 to 7 mm। मेजर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड टू द टिप ऑफ द प्लंगर। तो हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि वो कितना नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो डेप्थ है वो नीचे से 5 to 7 cm होना, सॉरी 5 to 7 mm होना चाहिए। तो जब तक वो नहीं वैल्यू होता है, तब तक हम जो है वाटर सीमें वाटर जो का जो रेशियो है वो बढ़ाते जाएंगे। और फिर हम देखेंगे जिस समय वो 5 to 7 mm तक रहता है, तो उसी को हम दैट परसेंटेज विल बी द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है ना। जनरली द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज 30 to 35% बाय वेट ऑफ सीमेंट। देन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। When water is added to cement, the paste starts stiffening and gaining strength, simultaneously losing its plasticity. Two stiffening states identified are initial and final setting times, respectively. Initial setting time is the time interval between the addition of water to cement and the stage when needle ceases to penetrate completely. So basically, जो initial setting time होता है, उसमें जो cement जो है, वो धीरे-धीरे स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट होते हैं सेटिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो उसको हम डिटेल से देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं। जनरली जो है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट्स होते हैं ऑर्डिनरी सीमेंट के लिए। तो सबसे पहले प्रिपेयर ए नीट सीमेंट पेस्ट बाय मिक्सिंग द सीमेंट विथ 0.85 times द वाटर रिक्वायर्ड टू गिव ए पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी में हमने जो वैल्यूज निकाले थे परसेंटेज ऑफ वाटर, उसका हम 0.85 times वाटर लेंगे, ठीक है ना। फिर स्टार्ट स्टॉप वॉच एट द इंस्टेंट व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट। थोरोली मिक्स सीमेंट एंड वाटर यूजिंग गॉजिंग ट्रॉवल्स टिल रिक्वायर्ड यूनिफॉर्मिटी इज अटेंड इन मिक्सिंग। फिल द मोल्ड कंप्लीटली एंड स्मूथन द सर्फेस ऑफ द पेस्ट बाय मेकिंग इट लेवल विद द टॉप ऑफ द मोल्ड। फिर जब हमने वो मोल्ड को बना लिया, तो फिर हम उसको मोल्ड को क्या करेंगे, विकेट एपरेटस में रखेंगे। और उसके बाद जो हमारा नीडल सी है, ठीक है ना, जैसा कि हमने आपको बताया था, नीडल सी जो है जिसका डायमेंशन है आपका 1 mm square, इसका डायमीटर है और 50 mm ऑब्वियसली लेंथ है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें फिर से हम उसको जब फिल कर दिए, तो फिर हम उसको जनरली जो एपरेटस है, जो नीडल है हमारा, उसको लोअर डाउन करेंगे, फिर उसको हम रिलीज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो है 5 to 7 mm, फिर से इसमें भी वही वैल्यू है, 5 to 7 mm तक वो जाना चाहिए, पूरा अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर 5 to 7 mm तक जिस पॉइंट पे जाएगा, तो दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज सेटिंग, इनिशियल सेटिंग टाइम। नेक्स्ट इज फाइनल सेटिंग टाइम। रिप्लेस द नीडल सी विथ नीडल एफ ऑन द विकेट एपरेटस अटैचमेंट, ठीक है ना। तो इसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम जब हमने चेक कर लिया, तो फिर हम फाइनल सेटिंग टाइम देखते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब यही है कि वो हार्ड एंड स्टेट में आ गया है। तो ये देखिए आपका एफ वाला नीडल ये है, ठीक है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं नीडल को यहाँ पर,
और फिर ये जो नीडल है जिसका डायमेंशंस आप देख सकते हैं, इस डायमेंशंस के नीडल को हम फिर उसमें एपरेटस में लगा देते हैं। द पीरियड इलेप्सिंग बिटवीन द टाइम व्हेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम एट विच नीडल मेक्स एनी इम्प्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द टेस्ट ब्लॉक वाइल द अटैचमेंट फेल्स टू डू सो शैल बी द फाइनल सेटिंग टाइम। द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पॉटरी सीमेंट इज जनरली 600 मिनट, दैट इज 10 आवर्स। ठीक है, तो हमें याद करना जरूरी है, जल्दी पूछते हैं एग्जाम्स में कि कितना इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जनरली 30 मिनट्स होते हैं और फाइनल सेटिंग टाइम आपके 10 आवर्स होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज ए साउंडनेस टेस्ट। ठीक है ना, साउंडनेस टेस्ट में जो एपरेटस हम यूज करते हैं उसको हम ली चैटेलियर एपरेटस कहते हैं। ठीक है ना, जो आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। ठीक है ना, ये साइड व्यू है। तो इस तरह का ये एपरेटस रहता है, देखिए इसका डायमीटर 30 mm का है और ये जो लेंथ है आपका ये 165 mm है, आप देख सकते हैं, और ये जो थिकनेस है दैट इज योर 0.5 mm। सीमेंट इज गॉस्ड 0.78 टाइम्स द वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इसमें भी हमें सीमेंट पेस्ट बनाना है जिसमें हम 0.78 टाइम्स जो हमने वाटर सीमेंट रेशियो हमने फाइंड किया था कंसिस्टेंसी टेस्ट में, उसका 0.78 टाइम्स लेना है। ठीक है ना, इसके बाद उसको वो जो हमारा लीड चैटेलियर एपरेटस है उसके मोल्ड को हम फिल कर देंगे सीमेंट पेस्ट से। सीमेंट पेस्ट से फिल करने के बाद उसको हम फिर ग्लास प्लेट से कवर कर देंगे। ठीक है, ये ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट से हमने इसको कवर कर दिया। देन द होल असेंबली इज इमर्स्ड इन वाटर एट ए टेम्परेचर 27 degrees to 32 degrees Celsius एंड केप्ट फॉर 24 आवर्स। द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर पॉइंट्स इज मेजर्ड। द मोल्ड इज सबमर्ज्ड अगेन इन वाटर एंड द वाटर इज हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट इन अबाउट 25 to 30 minutes। The boiling is continued for 3 hours। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस जब को हमने इसको ग्लास से ढक दिया, ढकने के बाद इसको हम क्या करेंगे 24 hours इसको क्यूरिंग पर्पज़ के लिए रख देंगे। ठीक है ना, वाटर में रख देंगे। इसके बाद जब उसको हम रीडिंग देंगे कि इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है। ठीक है ना, ये दो जो आपका ये बना हुआ है इससे इसका गैप देखेंगे कितना आ रहा है। उसके बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद फिर देखेंगे इसमें डिस्टेंस कितना गैप बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये गैप कुछ बढ़ेगा डिपेंडिंग ऑन अपॉन दी लाइन कितना उसमें मिला हुआ है। सो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेजरमेंट्स रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, दोनों रीडिंग लेने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। दिस मस्ट नॉट एक्सीड 10 mm फॉर ऑर्डिनरी रैपिड हार्डनिंग एंड लो हीट पॉटरीसीमेंट। 10 mm से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। पहले हम क्या किए, पहले हमने उसको वाटर में रखा 24 आवर्स के लिए। ठीक है ना, उसके बाद हमने रीडिंग लिया, उसके बाद फिर हमने इसको बॉइलिंग किया, बॉइलिंग करने के बाद रीडिंग लिया, तो देखेंगे कि वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 mm से ज़्यादा है तो वो सूटेबल नहीं है और उसे हम अनसाउंड कहेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोर्टार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा क्यूब है, बेसिकली 70.6 या 76 mm का हम क्यूब लेते हैं। ठीक है ना, और ये हमारा कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट और सैंड को मिलाते हैं इन द रेशियो 1:3। मीन्स 1 ग्राम अगर हम सीमेंट लेंगे तो कितना 3x ग्राम हमें सैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, द वाटर इज एडेड टू द मोटर, जनरली हम 0.4 टाइम्स लेंगे, दैट इज ठीक है 0.4 टाइम्स 40% लेंगे हम वाटर सीमेंट रेशियो। द उसके बाद ये सैंड सीमेंट और सैंड को जब हमने मिक्स कर दिया वाटर के साथ तो वो आपका मोटर प्रिपेयर्ड हो गया। अब मोटर को क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड मोटर को इसमें फिल करेंगे जो हमारा मोल्ड है। ये मोल्ड ऐसा रहता है कि इसको हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो है आपका नट के थ्रू बना हुआ है, तो इसको हम आसानी से बाद में ओपन कर सकते हैं। फॉर 70.6 mm एंड 76 mm क्यूब्स द सीमेंट रिक्वायर्ड इज 185 ग्राम एंड 235 ग्राम रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, दोनों मोल्ड को हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए 70.6 mm वाला जो क्यूब है उसके लिए हमें कितना लगेगा, 185 ग्राम
सीमेंट लगेंगे और 76 वाला जो है उसमें 235 ग्राम लगेगा। फिर उसे हम वाइब्रेशन मशीन में रख देते हैं ताकि वो 2 मिनट तक वो वाइब्रेट हो, उससे क्या होगा वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। द मोल्ड्स आर प्लेस्ड इन डैम कैबिन फॉर 24 आवर्स, फिर उसको हम डैम कैबिन में रखते हैं। द स्पेसिमेन आर रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड्स एंड दे आर सबमर्ज्ड इन क्लीन वाटर फॉर क्यूरिंग, फिर उसके बाद क्यूरिंग के लिए हम रख देते हैं। द क्यूब्स आर देन टेस्टेड इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन एट द एंड ऑफ 3 डेज एंड 7 डेज। द टेस्टिंग ऑफ क्यूब्स इज कैरिड आउट ऑन देयर 3 sides without packing. The 3 cubes are tested each time to find out the compressive strength at the end of 3 days and 7 days. The average value is then worked out during the test. The load is applied uniformly at the rate of 350 kg per centimeter square or 35 newton per mm square. फिर उसके बाद हम जो है इस मशीन में हम पुट करते हैं, ठीक है ना, कि कितना जो क्यूब हमने प्रिपेयर किया है उसको हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रहते हैं, उसमें लोड देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कितना उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है। जनरली अगर हम बात करें 3 डेज के लिए तो वो 11.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और अगर 7 डेज की बात करें तो 17.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेड ऑफ सीमेंट जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि 28 डेज स्ट्रेंथ अगर हम लेते हैं तो C33 ग्रेड जो होता है वो अगर 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वैल्यू आना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सिमिलरली C43 क्या है जिसका स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आना चाहिए, एंड C53 क्या है जिसका स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आना चाहिए वैल्यूज। नेक्स्ट टेस्ट इज फाइनेस्ट टेस्ट। फाइनेस्ट टेस्ट में हम सीव लेते हैं 90 माइक्रोमीटर का, ठीक है ना, 90 माइक्रोमीटर 90×10^6 सीव का जो साइज है, जो ये सीव का जो साइज है वो हम इतने साइज वाला सीव लेते हैं, ठीक है ना। ए बैलेंस लेते हैं ऑफ 0.0 ग्राम सेंसिटिविटी, प्योर ब्रिसल लेते हैं या ब्रश लेते हैं, एंड सीव सेकिंग मशीन लेते हैं, ठीक है ना, सेक करने के लिए। प्रोसीजर 1 kg ऑफ सीमेंट हम लेंगे, ठीक है ना, और उसका वेट करेंगे, ठीक है ना, दैट इज़ योर W1। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको प्रॉपरली रब करेंगे ताकि इसमें कुछ भी जो है आपका बड़ा पार्टिकल नहीं रहे, ठीक है ना, और उसके बाद उस 1 kg को हम इस सीव के अंदर रख देंगे। फिर उसके बाद उसको हम 15 मिनट्स तक सेक करेंगे। अगर आपके पास सेकिंग मशीन है तो 15 मिनट्स सेकिंग मशीन में रखेंगे, अगर नहीं है तो आप खुद से 15 मिनट तक उसको सेक करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद ब्रश द सीव बेस जेंटली विद द ब्रिसल ब्रश सो दैट नथिंग इज लेफ्ट ऑन द सीव सरफेस। जस्ट वेट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सीमेंट ऑन द सीव, और उसका हम वेट करेंगे तो देखेंगे कि कितना वेट आ रहा है, तो उसका वैल्यू हम लगते हैं W2। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ सीमेंट रिटेन ऑन द 90 माइक्रोमीटर सीव, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे कितना उसमें रिटेन हो रहा है, तो W2 जो रिटेन हो गया अपॉन जो हमने इनिशियल वेट लिया था, ठीक है ना, तो उसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ सीमेंट रिटेन मिल जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द अमाउंट ऑफ सीमेंट रिटेन ऑन द 90 माइक्रोमीटर सीव शैल नेवर एक्सीड 10%, ठीक है, तो 10% से ज़्यादा वो वैल्यूज नहीं आने चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ, द मोटर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज प्रिपेयर्ड, द प्रोपोर्शन इज 1:3, सेम प्रोपोर्शन लेंगे 1:3 से, और द वाटर इज एडेड टू द मोटर, द क्वांटिटी वाटर इज 5% बाय वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड, जितना हम सीमेंट सैंड लेंगे उसका 5% वेट हमें लेना है वाटर का। फिर उसके लिए ये देखिए ये ब्रिकेट मोल्ड है, ब्रिकेट मोल्ड में फिर हम उस पेस्ट को मोटर को प्लेस कर देते हैं। द मोटर इज प्लेस्ड इन ब्रिकेट मोल्ड, द मोल्ड इज फिल्ड विद मोटर एंड देन ए स्मॉल हीप ऑफ मोटर इज फॉर्म्ड एट इट्स टॉप। It is beaten down by standard spatula till water appears on the surface. Same procedure is repeated for the other face of briquette. Such 12 standard briquettes are prepared. The quantity of cement may be 600 ml for 12 briquettes. ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका dimensions दिए हुए हैं, इसको आप लोग लिंक बना लीजिएगा, ये बहुत important है briquette mold. फिर this is your elevation, अगर हम साइड से देखेंगे, अगर टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं मोटर से पूरा फिल करते हैं, और थोड़ा सा आपका हीप होना चाहिए ऊपर में, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे तो स्पेचुला से उसको थोड़ा सा बीट करेंगे, बीट करने के बाद उसमें देखेंगे हल्का सा वाटर आना चाहिए। फिर जो आपका ब्रिकेट मोल्ड है उसको क्या करेंगे डैम केबिन में 24
घंटे के लिए रखेंगे. द ब्रिकेट्स आर केयरफुली रिमूव फ्रॉम द मोल्ड्स एंड दे आर सबमर्ज्ड इन क्लीन वाटर फॉर कूलिंग. द ब्रिकेट्स आर टेस्टेड इन टेस्टिंग मशीन एट द एंड ऑफ 3 डेज एंड 7 डेज. तो बेसिकली 6 ब्रिकेट लेंगे क्योंकि फिर हमें उसके का एवरेज लेना पड़ता है. 3-3 का एवरेज लेंगे. ड्यूरिंग द टेस्ट द लोड इज अप्लाइड इज 3.5 न्यूटन पर mm². इट बी नोटेड दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्रिकेट एट इट्स लास्ट सेक्शन इज 6.545 cm². ठीक है ना. फिर उसके बाद हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस निकाल लेंगे जिस लोड पे वो फेल हुआ अपॉन 6.45. ठीक है ना, क्योंकि उसका एरिया इतना है 6.45 cm² है. तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, तो 3 डेज में 2 न्यूटन पर mm² होना चाहिए और 7 डेज में कितना होना चाहिए, 2.5 न्यूटन पर mm². ठीक है ना. अगर इतना वैल्यू नहीं होता है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है. तो बेसिकली हमने आज पढ़ा सीमेंट के बारे में, पढ़ा सीमेंट उसके टाइप्स को पढ़ा और पूरे लेबोरेटरी टेस्ट को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा. तो आपको सभी जो है मोल्ड्स के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने यूज़ किया और उसके क्या क्या वैल्यूज होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करेंगे तो आपको ये बहुत मदद देगा. इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए, और सिविल इंजीनियरिंग का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें. थैंक यू.